वेलकम अगेन। आज बात करेंगे हम लोग टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स एंड टॉक्सिक वैक्यूल्स क्या होते हैं। टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स इन न्यूट्रोफिल, ऐसा कभी आपको रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल सकता है। सीबीसी की रिपोर्ट मिलती है इन्फेक्शन के लिए और दूसरे चीजों के लिए कराई जाती है, तो उसमें ये टर्म रहती है टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स एंड टॉक्सिक वैक्यूल्स सीन इन न्यूट्रोफिल। इसका क्या मतलब होता है? तो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स अगर न्यूट्रोफिल में दिख रहे हैं तो एक तरीके का ये इन्फेक्शन को डिनोट करता है। एक तरह का न्यूट्रोफिल के अंदर टॉक्सिक चेंज है, जो कि अगर शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है या किसी तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, कहीं पे चोट लग जाए या कहीं मवाद बन जाए सर्जरी के बाद, या शरीर में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। तो एक्चुअली न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये डार्क कलर के ग्रेन्यूल्स रहते हैं जो बड़े बड़े से दिखने लगते हैं, और इनके अंदर होता है पेरोक्साइड और हाइड्रोलेज जो कि इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद करता है। तो एक मैं इमेज लगा देता हूँ कि ये न्यूट्रोफिल के अंदर इस तरह से बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं। नॉर्मली भी न्यूट्रोफिल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स काफी बड़े साइज के हो जाते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, और ये टॉक्सिक चेंज में कंसिडर किया जाता है। मतलब शरीर के अंदर इन्फेक्शन है और ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स के साथ में एक टॉक्सिक वैक्यूल्स भी दिखता है जो साइटोप्लाज्म में वो क्लियर क्लियर दिखता है, और एक डोले वाटी भी होती है। तो ये तीनों टॉक्सिक चेंज में कंसीडर किए जाते हैं। अब ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स अगर किसी के रिपोर्ट में लिखा मिल गया या रिपोर्ट में दिखता है कि टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं न्यूट्रोफिल में, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किसी तरीके का सेप्सिस है, जैसा कि निमोनिया के केस में हो सकता है, अपेंडिसाइटिस में हो सकता है, मेनिंजाइटिस में हो सकता है, एप्सिस कहीं पे हो गया, बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो कहीं पे भी शरीर में इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल के अंदर ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, और साथ में न्यूट्रोफिल का नंबर भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा बिना इन्फेक्शन के दो और कारण हो सकते हैं। एक तो जिसको किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर की दवाई है वो चल रही है तब, या किसी को ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाए, राइट, तो उस केसेस में भी ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स दिख सकते हैं। तो ये तो हो गया टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। और ऐसे अगर टॉक्सिक वैक्यूल्स की बात करें, वो भी कई बार रिपोर्ट में मेंशन रहता है, तो वो भी सिमिलर कंडीशन में मिलता है। टॉक्सिक वैक्यूल्स क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल है उसके अंदर वैक्यूल्स दिखते हैं, क्लियर एरिया दिखता है जो कि सीवियर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में देखने को मिलता है। अब ये जो टॉक्सिक वैक्यूल्स है न्यूट्रोफिल के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब है कि न्यूट्रोफिल की जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, बैक्टीरिया को खाने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो ये साइटोकाइंस के असर के कारण आता है। तो वैक्यूल और टॉक्सिक वैक्यूल्स हो चाहे टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हो, ये दोनों इन्फ्लेमेशन शरीर में है उसको बताता है। और वैक्यूल्स अगर न्यूट्रोफिल में दिख रहा है तो ज्यादातर बार तो टॉक्सिक चेंज होता है, लेकिन टॉक्सिक चेंज हम तब मानेंगे जब ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स और डोले बॉडी के साथ में दिखे, या तो न्यूट्रोफिल के अंदर शिफ्ट टू लेफ्ट हो। लेकिन कई बार जब सैंपल को रख दिया जाता है एक दो दिन के लिए, तो भी न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये एक तरीके का आर्टिफैक्ट आ जाता है, स्टोरेज प्रॉब्लम है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहा है, न्यूट्रोफिल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, न्यूट्रोफिल इमेच्योर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ वैक्यूलेशन दिख रहा है, तो हो सकता है एक तरीके का आर्टिफैक्ट है। अगर टॉक्सिक वैक्यूल्स दिखता है तो क्या हो सकता है, एक तो जैसा कि बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है शरीर में, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकती है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का ट्रीटमेंट करने भी मिल सकता है। तो ये हो गया टॉक्सिक वैक्यूल्स एंड टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स क्या होता है, जो आपको कई बार रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर ये मिल रहा है इसका मतलब एक शरीर में इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी और दूसरे भी ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करेगा कि क्या कारण है, कहाँ का इन्फेक्शन है। तो ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स एंड टॉक्सिक वैक्यूल्स के बारे में शॉर्ट में जानकारी थी। थैंक यू।